हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, राइट? ये टॉपिक होने वाला है रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। एक वैलिड मीटिंग की क्या क्या रिक्विजिट्स होती हैं, किस मीटिंग को हम वैलिड बोलेंगे, किन किन पॉइंट्स पे उनको इनवैलिड करार दे दिया जाता है, इसके बारे में हमारा ये लेक्चर होने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये लेक्चर। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है? इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप हमारे चैनल पे आए, जो कि है कॉमर्स की पाठशाला, आपको नीचे की तरफ आना है, इग्नू एम कॉम न्यू, इग्नू एम कॉम ओल्ड, और नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो आपको इग्नू बी कॉम न्यू भी शो करेगा। तो बी कॉम न्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। आप जैसे बी कॉम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर ढेरों वीडियोज है जिनको देख करके, पढ़ करके, सुन करके आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? साथ ही साथ आप अगर चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं, जिसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, इग्नू बीकॉम में जाना है, यहाँ पे एक नॉमिनल सा फी आपको पेमेंट करना है 119 रुपीज का, इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके। ज्वाइन कर लेने के बाद आपको मोर अबाउट पर्क्स में जाना है, यहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप का लिंक शो करेगा, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है? इसमें बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेंगे, आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिल जाएगा 24/7 जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, आपको बहुत ही सस्ते दामों पे नोट्स मिल जाएंगे 40% डिस्काउंट्स पे, साथ ही साथ आपको असाइनमेंट जो आपको सबमिट करनी पड़ती है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल यहाँ पे करा दी जाएंगी, ठीक है? चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का, जो कि होने वाला है रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। ओके देन, so the decisions taken at the general meeting shall be valid and binding only if the meeting itself has been properly called and conducted. तो किसी भी मीटिंग को, जो भी जनरल मीटिंग आप बुला रहे हो, उसको वैलिड या फिर बाइंडिंग तभी माना जाएगा जब वो मीटिंग खुद बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपरली और अच्छे तरीके से उसका कंडक्शन जो है ठीक तरीके से होगा, उसको ठीक तरीके से बुलाया गया होगा और उसका कंडक्शन ठीक तरीके से होगा। एनी इररेगुलरिटी इन द कॉलिंग एंड कंडक्टिंग द मीटिंग शैल इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग, है ना? तो सपोज आपने इररेगुलरिटी दिखाई लोगों को बुलाने में, आपने सारे लोगों को बुलाया नहीं, सारे लोगों को आपने न्योता नहीं भेजा, और सारे लोग जो लोग आए वो भी एक तरीके से पार्शियल थे, बायस थे, जो कि सिर्फ एक तरफ की डिसीजन लेने में यकीन रखते थे, आपने सिर्फ उन्हीं को बुलाया, तो ठीक तरीके से अगर आपने बुलाया नहीं सभी को और आपने ठीक तरीके से कंडक्ट उसको नहीं करवाया, तो वो जो इररेगुलरिटी है उसके कारण से आपकी जो मीटिंग है वो इनवैलिडेट करार कर दी जाएंगी। The company meetings must be conducted in accordance with the rules and the regulations laid down in the Act and the Article of Association. तो Article of Association के according जितने भी सारे provisions हैं, जितने भी सारे नियम हैं, जो भी acts इसके तहत काम करते हैं, उन सारे acts का provisions को ध्यान में रखते हुए, rules and regulations को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी meeting को organize करवाना है। अगर आप इसको में fail करते हो तो आपकी meeting जो है valid नहीं मानी जाएगी। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके कारण से आपकी meeting जो है valid मानी जाती है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। सबसे पहला है प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है? सो द मीटिंग शैल बी वैलिड ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड बाय अ प्रॉपर अथॉरिटी, ठीक है? मीटिंग वैलिड तभी मानी जाएगी जब इसको बुलाया जाएगा किसी प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा। सपोज मैं मीटिंग में कोई बड़ा पोस्ट होल्ड नहीं करता, कंपनी में बड़ा पोस्ट होल्ड नहीं करता और मैंने मीटिंग बुलवा दी, तो वो मीटिंग को मीटिंग नहीं बना जाएगा। सबसे पहला कंडीशन यही है कि जो अथॉरिटी है, जिसके पास ये हक है मीटिंग बुलवाने का, वही बुलवाएगा तो ही मीटिंग को वैलिड माना जाएगा। द प्रॉपर अथॉरिटी शुड कन्वीन द मीटिंग इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड पास अ रिजोल्यूशन एट इट्स मीटिंग टू कॉल अ जनरल मीटिंग, अदरवाइज द नोटिस कॉलिंग द जनरल मीटिंग विल बिकम इनवैलिड एंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कंपनी शैल नॉट बी इफेक्टिव। देखो, सिंपल सा बात यहाँ पे बोला गया है कि जो अथॉरिटी है, प्रॉपर अथॉरिटी जो है, वो इस मैसेज को पास ऑन करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक रिजोल्यूशन पास करेंगे जिसमें बोलेंगे कि भाई हमें इस दिन पे ये मीटिंग जो है हमें करनी है। वो मीटिंग अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ठीक तरीके से नहीं बुलाते हैं, मतलब जो प्रॉपर प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉपर अथॉरिटी जो है कन्वीन करेगी, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसके ऊपर रिजोल्यूशन पास करेंगे ताकि जनरल मीटिंग बुलाया जाए और फिर जाकर के जो है सबको कॉल किया जाएगा कि भाई आ जाओ मीटिंग होने वाली है। तो अगर ये सारी चीजें नहीं होती है तो मीटिंग जो है वो इनवैलिड हो जाती है, बिकम इनवैलिड, एंड जो भी उसकी प्रोसीडिंग्स होगी मीटिंग की वो भी इफेक्टिव नहीं होंगी। और ये किस केस में बताया गया था? ये हर्बन वर्सेस फिलिप्स के केस में बताया गया था। दस अ नोटिस इशूड बाय द कंपनी सेक्रेटरी विदाउट द अथॉरिटी ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड इज पोटेंशियली इनवैलिड, पोटेंशियली इनवैलिड, है ना? तो सपोज कोई नोटिस जो है इशू करा कंपनी सेक्रेटरी ने विदाउट द रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,
तो वो जो मीटिंग होगी वो इनवैलिड हो जाएगी, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कि हम मीटिंग करने वाले हैं, ये बहुत ही जरूरी होता है। दूसरा नंबर पॉइंट है थॉट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कहाँ गया कर्सर मेरा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द ओनली अथॉरिटी टू कन्वीन अ जनरल मीटिंग, बट अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस द मीटिंग मे बी कॉल्ड बाय रिक्विजिशंस और बाय द ट्रिब्यूनल, है ना। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा क्या जाता है, ऐसा होता है कि जो मीटिंग बुलाने का काम जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही है, ठीक है ना। लेकिन अंडर फ्यू सर्कमस्टेंसेस, अगर कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस होती हैं, कुछ ऐसा सिचुएशन पड़ जाता है, तो उन सारे सिचुएशंस में जो रिक्विजिट्स है, जो रिक्विजिशन अगर प्रोवाइड किया जाता है मीटिंग के द्वारा या फिर ट्राइब्यूनल के द्वारा, तो उस केस में भी मीटिंग को बुलवाया जा सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है प्रॉपर नोटिस। तो जी हाँ, प्रॉपर नोटिस जाना सबके पास में कि भाई मीटिंग होने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो नोटिस मींस एन एडवाइस इंटीमेशन ऑफ द मीटिंग सो एज टू एनेबल द पर्सन कंसर्न टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर इट, है ना। तो जब मीटिंग की जाती है तो मीटिंग के पहले सबको नोटिस भेजा जाता है कि देखो इस डेट पे हम ये मीटिंग करने वाले हैं और आप इस टाइम पे आ जाना। तो जब आप पहले से किसी को बता करके रखते हो तो वो अपनी तैयारी करके आता है कि मीटिंग में मैं इस इन इन बातों को उठाऊंगा, इन इन मुद्दों को उठाऊंगा, राइट। तो नोटिस सबको पहुंचाना, नोटिस सबको देना कि भाई मीटिंग होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट एक काम होता है। अ प्रॉपर नोटिस नोटिस शुड बी गिवन टू एवरी मेंबर, हर एक मेंबर को देना पड़ेगा, हर एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना पड़ेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एवरी डिसीज्ड मेंबर, ऐसा कोई मेंबर जिसकी डेथ हो गई उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको आपको वो नोटिस पहुंचाना पड़ेगा। द साइनिंग ऑफ द इंसॉल्वेंट मेंबर, जो इंसॉल्वेंट मेंबर है सपोज कोई, तो उसका जो साइनिंग होगा उसको ये नोटिस पहुंचाना पड़ेगा। ऑडिटर्स और डायरेक्टर्स जो होंगे उस कंपनी के, उनको ये नोटिस पहुंचाना पड़ेगा। तो प्रॉपर नोटिसिंग सिस्टम जो है आपको यहाँ पे फॉलो करना होता है, प्रॉपर नोटिसिंग आपको करनी होती है। तो नोटिस मस्ट बी क्लियर एंड शुड स्टेट द पर्पस फॉर विच द मीटिंग इज कॉल्ड, नोटिस कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए और उसमें ये लिखा होना चाहिए कि उस मीटिंग का मेन पर्पस क्या है, मीटिंग आखिर बुलाया क्यों जा रहा है, ठीक है। तो नोटिस मस्ट ईदर बी इन राइटिंग और थ्रू प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड, जो नोटिस है वो हो सकता है कि रिटन फॉर्म में हो, मतलब आप लिखो खुद से, या फिर आप थ्रू प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड है, मतलब ईमेल के माध्यम से या यू नो वर्ड में लिख करके आपने मेल कर दिया, इस तरीके से भी आप नोटिस पहुंचा सकते हो। इट मस्ट बी गिवन एटलीस्ट 21 डेज अर्लियर बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग, ठीक है। तो जिस दिन आपकी मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग के दिन से 21 दिन पहले आपको नोटिस जो है सबको भेज देना पड़ेगा कि हम जो है मीटिंग करवाने वाले हैं, ठीक है, नहीं तो फिर आपका जो काम है वो नहीं हो पाएगा। यू शुड नोट दैट डेलिबरेट ओमिशन टू सर्व नोटिस टू वन और मोर मेंबर विल इनवैलिड द मीटिंग, है ना। तो आप अगर सपोज डेलिबरेटली बार बार किसी को यू नो छोड़ दे रहे हो, आप ओमिट कर दे रहे हो कि आप उसको नोटिस नहीं भेज रहे हो, तो उस कारण से भी आपका जो मीटिंग है वो इनवैलिड हो जाता है। बट एन एक्सीडेंटल ओमिशन विल नॉट रेंडर द मीटिंग इनवैलिड, लेकिन अगर किसी तरह से किसी कारण से एक्सीडेंटली अगर किसी का नाम ओमिट हो जाता है तो उस केस में मीटिंग को इनवैलिड नहीं माना जाएगा। बट अगर आप डेलिबरेटली जानबूझ करके किसी के नाम को ओमिट करेंगे तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। सिमिलरली द नॉन रिसीट एंड नोटिस विल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ मीटिंग, उसी तरीके से अगर नॉन रिसीट होता है नोटिस का, आपने किसी को नोटिस भेजा और उसने रिसीव नहीं किया, तो उस केस में आपकी मीटिंग जो है इनवैलिड नहीं मानी जाएगी, वैलिड ही मानी जाएगी, क्योंकि उसने रिसीव नहीं किया, है ना, आपने भेजा था पर उसने रिसीव नहीं किया। तो नोटिस मस्ट स्टेट द प्लेस, नोटिस में लिखा हुआ होना चाहिए कि किस जगह पे मीटिंग होने वाली है, डेट और जो टाइम है किस टाइम पे मीटिंग स्टार्ट होगी, वो सारी की सारी जानकारी जो है उस नोटिस में होनी चाहिए। तो प्रॉपर नोटिसिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड है कोरम। कोरम के बारे में मैंने आपको बताया था कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए। अगर वहां पे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अवेलेबल नहीं है तो उस मीटिंग को ना स्टार्ट किया जा सकता है, और अगर स्टार्ट हो जाता है कुछ प्रोसीडिंग्स होती हैं तो उसको रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा, उसको वैलिडिटी नहीं मिलेगी। तो प्रॉपर कोरम का कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो कोरम मींस द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हुज प्रेजेंस इज नेसेसरी एट द मीटिंग फॉर ट्रांजैक्टिंग द बिजनेस ऑफ द कंपनी, है ना। तो कोरम एक मिनिमम नंबर होता है जिसके बगैर मीटिंग को स्टार्ट नहीं किया जा सकता, जिनका प्रेजेंट रहना वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इन द एब्सेंस ऑफ अ कोरम, कोरम के एब्सेंस के कारण नो मीटिंग कैन बी हेल्ड, किसी भी तरह की मीटिंग को हेल्ड नहीं किया जा सकता। एनी रिजोल्यूशन पास्ड एट द मीटिंग विदाउट कोरम शैल बी इनवैलिड, ठीक है ना। तो कोई भी रिजोल्यूशन पास किया गया जिसमें जो कोरम है उसको लाइक एक तरीके से ध्यान में नहीं रखा गया, मिनिमम कोरम को ध्यान में नहीं रख करके कोई नोटिस अगर पास किया गया, रिजोल्यूशन पास किया गया, तो वो रिजोल्यूशन इनवैलिड होगा क्योंकि वहां पे सारे लोग अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। चौथा पॉइंट है चेयरमैन, इसको थोड़ा कलर कर लेता हूं मैं, चेयरमैन, ठीक है। तो चेयरमैन में हमारा क्या आ जाएगा, एवरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी शुड बी प्रिसाइडेड ओवर बाय चेयरमैन,
The chairman has to be either has to be there to conduct the meeting in a proper and a smooth manner, है ना। तो हर एक जनरल मीटिंग में चेयरमैन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अगर चेयरमैन नहीं होगा तो मीटिंग को जो है वैलिड नहीं माना जाएगा, राइट। तो चेयरमैन का काम होता है कि जो मीटिंग है उसका कंडक्शन जो है बहुत ही स्मूथली तरीके से हो सके, राइट। द आर्टिकल्स यूजुअली प्रोवाइड द मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें लिखा हुआ रहता है कि किस तरीके से आप चेयरमैन को सेलेक्ट करेंगे या फिर किस तरीके से आप चेयरमैन को अपॉइंट करेंगे। तो चेयरमैन का अपॉइंटमेंट भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण आपकी मीटिंग जो है वैलिड या फिर इनवैलिड हो सकती है। इफ द आर्टिकल डू नॉट प्रोवाइड अदरवाइज द मेंबर्स हु आर पर्सनली प्रेजेंट एट द मीटिंग शैल इलेक्ट वन ऑफ देमसेल्व्स टू एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, ठीक है ना। तो अगर आर्टिकल में किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी हुई है कि कौन सा कौन जो है हमारा मेंबर चेयरमैन बनेगा या किस तरीके से हम चेयरमैन को चुनेंगे, तो उस केस में जो भी मेंबर्स अवेलेबल होंगे वहां पे उस मीटिंग में वो चुन सकते हैं कि उनके लिए चेयरमैन कौन होगा, ठीक है। द चेयरमैन शुड एक्ट एक्ट बोनाफाइड एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। जो चेयरमैन है वो एज ए बोनाफाइड काम करेगा और कंपनी के इंटरेस्ट में काम करेगा और इम्पार्शियल होगा। वो अपने वोटिंग को तभी कास्ट करेगा जब उसकी आवश्यकता होगी, अदरवाइज वो अपनी वोटिंग को कास्ट नहीं करेगा। पांचवा नंबर पॉइंट है प्रॉपरली कंडक्टेड। तो मीटिंग को प्रॉपरली कंडक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज एसेंशियल दैट द बिजनेस एट द मीटिंग मस्ट बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो ये बहुत जरूरी होता है कि मीटिंग जो भी हो रही है उसको अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो है कंडक्ट किया जाए, ठीक है। सो कंपनी मीटिंग्स आर हेल्ड फॉर डिस्कसिंग पर्टिकुलर इशू रिलेटिंग टू द कंपनीज वर्किंग टेकिंग अ डिसीजन ऑन द सेम, है ना। तो कंपनी की जो मीटिंग होती है वो एक तरीके से डिस्कस करने के लिए होती है कि कंपनी जो है किस तरीके से काम कर रही है, कंपनी का वर्किंग कैसा है, और जनरली किसी टॉपिक पे डिसीजन लेने के लिए होती है कि चलो ये इस चीज के ऊपर हम डिसीजन लेंगे। द मैटर शुड बी इन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ अ रिजोल्यूशन। जो मैटर है वो एज अ रिजोल्यूशन के फॉर्म में होना चाहिए। इट शुड बी डिस्कस थॉरली। इसको डिस्कस जो है थॉरली करना पड़ेगा। अमेंडमेंट्स टू इट शुड बी केयरफुली कंसिडर्ड एंड देन इट शुड बी डिसाइडेड बाई वोटिंग बाई शो ऑफ हैंड्स और पोल, है ना। तो जो भी मैटर है वो लाया जाता है लोगों के सामने में और उनके सामने डिस्कशन होता है इसके ऊपर प्रॉपरली, और फिर जो है इसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है बाय शोइंग देयर हैंड्स एंड पोलिंग करके। आप जो है डिसीजंस लेने की कोशिश करते हो, अमेंडमेंट्स करने की आवश्यकता पड़ती है तो आप अमेंडमेंट्स भी करते हो। तो ये पांच पॉइंट्स थे। अगला पॉइंट है छठा पॉइंट जो कि है प्रॉपर रिकॉर्ड। तो जैसा कि मैंने मिनट्स बुक के बारे में आपको बताया था कि जो भी मीटिंग्स होगी उसकी जितनी भी सारी प्रोसीडिंग्स होगी उन सबको रिकॉर्ड करके रखा जाता है जिसे हम मिनट्स कहते हैं। तो मिनट्स बुक में हम सारी मिनट्स को रिकॉर्ड करेंगे। अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग शुड बी केप्ट इन द मिनट्स बुक। एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग जो है मिनट्स बुक में की जाती है। एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ एवरी जनरल मीटिंग एंड मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स कमिटीज, है ना। तो हर एक कंपनी के पास एक तरह से रिक्वायरमेंट होती है, उनको कहा जाता है कि आप हर एक मीटिंग का मिनट्स रखो, चाहे वो जनरल मीटिंग हो, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो या फिर आपकी कमेटी की मीटिंग हो, हर एक मीटिंग का जो मिनट्स है वो रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मिनट्स रिकॉर्ड करके नहीं रखोगे तो आपका जो मीटिंग है उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। सो व्हेन द मिनट्स आर कंफर्मड एंड साइंड बाय द चेयरमैन, जब मिनट्स को कंफर्म कर लिया जाता है और चेयरमैन के द्वारा साइन कर दिया जाता है, तभी तभी उसको एज ए एविडेंस जो है कोर्ट ऑफ लॉ में उसको एक्सेप्ट किया जाता है। दे आर एक्सेप्टेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ एज एविडेंस ऑफ द प्रोसीडिंग। जब तक कि चेयरमैन उसके ऊपर साइन नहीं करेगा उसको कंफर्म करके, उसको सही नहीं माना जाएगा। तो एक तरीके से जो मीटिंग है वो भी वैलिड नहीं होगी, राइट। सो दीज आर द सिक्स पॉइंट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय। थैंक यू।